हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अगर आप भी AKTU से एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में बीटेक के बीफार्मा के एमसीए के सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो UPSEE 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। आप 15 मार्च तक इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करके इन कोर्सेज में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में बीटेक बीफार्मा एमसीए में एडमिशन लेने का, इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बता दें कि डायरेक्ट एडमिशन इन सेकेंड ईयर यानी लेटरल एंट्री ऑफ बी आर्किटेक्चर, बी एच एम सी टी, बी एफ ए टी, बी एफ ए, बी डिजाइन, एम बी ए कोर्सेज इज नॉट परमिशबल। यानी कि इन कोर्सेज में डायरेक्ट एंट्री सेकेंड ईयर में नहीं हो सकती, यानी लेटरल एंट्री इन कोर्सेज में नहीं हो सकती। बी आर्किटेक्चर, बी एच एम सी टी, बी एफ ए टी, बी एफ ए, बी डिजाइन और एम बी ए, इनमें डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम अदर देन उत्तर प्रदेश स्टेट एंड हुज पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी स्टेट आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक बीफार्मा एमसीए लेटरल एंट्री। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास नहीं किया है और साथ ही साथ ऐसे पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स यूपी के डोमिसाइल के नहीं हैं, तो वो लोग बीटेक बीफार्मा और एमसीए के लेटरल एंट्री यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक बीफार्मा या एमसीए के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपी स्टेट से जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसको पास किया होना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स यूपी से बिलोंग करते हो, तो ही आप जो है लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक बीफार्मा एमसीए के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो लेटरल एंट्री टू बीटेक, अगर आप बीटेक में लेटरल एंट्री चाहते हैं तो पहली चीज़ कि आप पास हों विथ या विदाउट ग्रेस 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी विथ मिनिमम 45% मार्क्स एंड 40% ऑफ फॉर SC ST। यानी कि अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक के सेकेंड एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास करना है, यूपी में सिचुएटेड हो और मिनिमम 45% मार्क्स हो अगर आप जनरल ओबीसी के, वहीं पर अगर आप SC ST के हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप जो है लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में बीटेक के एडमिशन ले सकते हैं। या फिर हुज पेरेंट्स यानी मम्मी या पापा आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ही सी हैज पास 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा विथ मिनिमम 45% एंड 40% फॉर SC ST रिकॉग्नाइज बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेप्ट एग्रीकल्चर और फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर। यानी कि या तो आपने 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है वो आपने यूपी में सिचुएटेड इंस्टीट्यूशन से पास किया और 45% या फिर 40% SC ST के केस में परसेंटेज हो, या फिर अगर आपने कहीं बाहर से 3 ईयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है तो उस केस में आपके मम्मी पापा जो है वो यूपी से बिलोंग करते रहना चाहिए और आपके मिनिमम परसेंटेज उसमें 45% हो, अगर SC ST के तो 40% हो, तो आप जो है लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक के सेकेंड ईयर एडमिशन ले सकते हैं। आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। वहीं पे अगर आपने BSc की डिग्री ली है तो भी आप जो है सेकेंड ईयर में बीटेक के एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि पास्ट विथ और विदाउट ग्रेस 3 ईयर BSc डिग्री एंड पास्ट 12th स्टैंडर्ड विथ मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप BSc डिग्री किए हैं और 12th में मैथ है तो फिर आप जो है लेटरल एंट्री में बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। याद रहे कंडीशन वही है कि यूपी में सिचुएटेड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूशन और या फिर मम्मी और पापा दोनों में से कोई एक आपके यूपी के डोमिसाइल हो, तो फिर आप जो है अगर आपने BSc किया है और 12th में मैथ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 45% BSc डिग्री में होनी चाहिए या फिर 40% अगर SC ST के केस में, तो आप जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप BSc डिग्री के थ्रू लेटर एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं तो द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू BSc स्ट्रीम शैल क्लियर दी सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज एप्लीकेबल इन यूनिवर्सिटी करिकुलम ऑफ द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद द सेकेंड ईयर सब्जेक्ट। यानी कि इन इंजीनियरिंग ग्राफिक, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो भी सब्जेक्ट एप्लीकेबल होगा आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर का, उसको आपको सेकेंड ईयर में क्लियर करना होगा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के साथ, अगर आप BSc डिग्री के बेसिस पे लेटर एंट्री में बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो। तो ये बात हो गई बीटेक में। अब हम बात कर लें कि कैसे आप जो है बीफार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया हो फार्मेसी में और 45% मार्क्स हो ओवरऑल या फिर SC ST के केस में 40% मार्क्स हो और यूपी में सिचुएटेड इंस्टीट्यूट से किया है, तो फिर वो लेटरल एंट्री बीफार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर उनके मम्मी पापा यूपी से बिलोंग करते हैं और स्टूडेंट्स ने कहीं बाहर से 2 या 3 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और परसेंटेज 45% है, SC ST के केस में 40% है, तो भी आप जो है लेटरल एंट्री बीफार्मा के सेकेंड ईयर में ले सकते हैं। अब हम बात कर लें कि लेटरल एंट्री टू एमसीए के केस में क्या
है तो एक कैंडिडेट मस्ट है पास विथ या विदाउट ग्रेस बैचलर्स डिग्री कोर्स ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन BCA BSc IT कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकोगनाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट रिकोगनाइज बाई AI ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BCA या BSc IT कंप्यूटर साइंस से किया है 3 ईयर का डिग्री कोर्स तो वो जो है MCA के सेकेंडरी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 50% ओवरऑल होना चाहिए जनरल OBC के केस में। अगर SC ST के केस में हैं स्टूडेंट हैं तो 45% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए तो फिर आप MCA के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट है पास मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि कैंडिडेट जो इन्होंने BSc IT कंप्यूटर साइंस से किया फिर BCA किया है तो उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या तो इंटर लेवल में पास करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर पास किया होना चाहिए तभी वो MCA के सेकेंड ईयर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गए लेटरल एंट्री के थ्रू MCA BTEC और BFARMA में आप जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में डिस्कस कर ली। तो और वीडियोस के लिए UPSC से रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में जरूर वॉच करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।